सबका शुक्रगुजार हूँ कि इधर आए। मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का भी शुक्रगुजार हूँ। इंशाल्लाह ताला हुकूमत सिंध अपनी पार्टी लीडरशिप, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब की लीडरशिप में, उनकी गाइडेंस में सर्व करती रहेगी। और हमें अभी मैंने बात बताई ना, मैं फिर लेकिन ये मेरे ख्याल है आखिर उधर ही ख़त्म करता हूँ इस बात पे। अभी मैंने बताया कि वी वर एबल टू डिलीवर इन सिंध, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। यही वजह थी हमारी 2018 की इलेक्शन, हमारी हिस्ट्री में हमने सबसे ज़्यादा सीट्स ली थी। हम उस वक्त 99 सीट्स पे थे इन द प्रोविंशियल असेंबली, 168 के हाउस में। हम कोशिश करते रहे 100 पे आए, बट वो 100 हमारा नहीं हुआ। 2024 में सिंध के लोगों ने हमें 117 सीटें दी हैं, यानी 18 मोर देन द प्रीवियस रिकॉर्ड दैट वी हैड। तो ये इसी की वजह है कि हमने कोशिश की है लोगों की खिदमत करें, लोगों ने एक्नॉलेज किया है इस बात को, और सिंध के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। कराची में दो मेरी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी। मेरा ख्याल था कि हम जो विजन दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टीज हु आर अ कंटेंडर्स हियर, यू नो, वन पार्टी हैज़ बीन हियर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, देव हैड द सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एंड देव रूल्ड ओवर एंड देव बीन पार्ट ऑफ वेरियस गवर्नमेंट्स, बट जो भी है उसको चले छोड़ें। दूसरी पार्टी जो आई थी, यस, द पीपल ऑफ कराची डिड वोट फॉर देम इन 18, लेकिन किया कुछ नहीं। कराची में वी वर एक्सपेक्टिंग मोर, बट हम, मेरा ख्याल है कम रह गई हमारी कोशिश, हम और कोशिश करेंगे। और लेकिन कराची में भी हमने अपनी, एक्सेप्ट फॉर 1970, ये शायद लोगों को इधर कुछ को पता हो जो मेरी उम्र के हैं या मेरे से बड़े, उनको पता हो कि 1970 में पीपल्स पार्टी वॉज द लार्जेस्ट पार्टी इन द सिटी ऑफ कराची। वी हैड मोर वोट्स देन एनी अदर पार्टी हियर इन कराची, एंड इंशाल्लाह ताला आई थॉट 2024 को हम कर लेंगे, 24 को नहीं किया तो 29 में वी विल बिकम, बिकॉज वी विल सर्व द पीपल ऑफ कराची। हम खिदमत करना जानते हैं, हमारा नस्बुलैन ये है। हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यही सिखाया है। और यही वजह है लोग बात करते हैं, इस पूरे सिंध में हमारी रूरल एरियाज़ में, एक्सेप्ट फॉर द सिटी ऑफ कराची एंड हैदराबाद, एंड वहाँ हमने मेहनत करनी है और मेहनत करनी है, हमने एक भी कौमी असम्बली की सीट नहीं हारी। हम सब जीते हैं, ये लोगों का क्या शुक्रगुजार है, बट इट डजंट कम ईजिली। और ये भी आपको बता दूँ, सबसे क्लीनली, और मैं अभी खैर वो बहुत लंबी बात हो जाएगी उस पर नहीं जाता, लेकिन हमने जीते हैं। मैं अगेन, मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ, सिंध के लोगों का, और मैं ये वादा करता हूँ कि अपनी लीडरशिप की गाइडेंस में वी विल बेटर देन, वील डू बेटर देन द लास्ट 15 ईयर्स दैट वी बीन गवर्नमेंट। एंड वी नॉट, यू नो, लोग चाहे जो कुछ कहें, मैं बड़ा खुश होता हूँ, मीडिया में भी आती हैं बातें, शेख साहब ने बताया, यू नो, कुत्ते को आदमी काटे तो खबर नहीं बनती, आदमी को क्या कहा मैंने, हाँ, कुत्ते को काटे नहीं, आदमी अगर कुत्ते को काटो खबर बननी ले, ऐसी खबर मुझे नहीं पसंद भाई। ठीक है, तो वो खबर अच्छी तो नहीं लगती, लेकिन सुननी पड़ती है, न्यूज़ वही बनती है। प्लीज़ क्रिटिसाइज, और मैं कभी भी क्रिटिसिज्म से, मुझे कहते हैं ना, अभी भी एक जर्नलिस्ट आया था मेरे पास और उसने कुछ कान में मुझे कहा, मैंने कहा मुझे भाई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं सीखता हूँ। मे बी 10% ऑफ वॉट यूर सेइंग इज़ ट्रू, मे बी 90% ऑफ वॉट यूर सेइंग इज़ ट्रू, दैट इज़ इंफॉर्मेशन फॉर मी, एंड आई नीड टू मेक माई सेल्फ बेटर एंड मेक द वर्किंग द गवर्नमेंट बेटर। सो एक बार फिर आप सबका शुक्रिया फॉर इन्वाइटिंग मी हियर टुडे फॉर दिस इवेंट, एंड आई कंग्रेचुलेट ऑल द स्टेक होल्डर्स फॉर अ वंडरफुल जॉब डन। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।